इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हिंदू धर्म के अनुसार एलियन होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना कहीं से भी, अदरवाइज आप लोगों से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। जी हाँ, ये बात सच है कि हिंदू धर्म के अनुसार एलियन होते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म ने ही बताया था कि एलियन होते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि एलियन होते कौन है। दोस्तों एलियन वो जीव या फिर वो स्ट्रक्चर या फिर वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है जो दूसरे ग्रहों पे रह रहा है और वो धरती पे घूमने आया और वहाँ घूमा, तो हमने उसको देखा तो हमने उनको बोल दिया एलियन। एलियन ये हमारे द्वारा दिया गया एक नाम है जो दूसरे ग्रहों पे रह रहा है और वो धरती पे आ गया। हिंदू धर्म के अनुसार एलियन होते हैं। दरअसल वो एलियन नहीं होते, वो भगवान होते हैं हमारे अनुसार। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि शिव सागर होता है, इंद्र लोक होता है, या फिर गंधर्व लोक होता है, ब्रह्म लोक होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमें, सूर्य लोक भी है, धरती लोक भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग दिशाओं में है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये चारों तरफ फैला हुआ है और इनके अलग अलग दिशाओं में ये लोक स्थापित है। और इन लोकों पे जो दिव्य शक्ति रहती है, उन साइंस जीव बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हम उसको एक दिव्य शक्ति बोलते हैं, जिनको हम भगवान भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि भगवान धरती पे समय समय पर आते रहे हैं और इंसानों के उद्धार के लिए उनको आशीर्वाद दे के चले गए, या फिर उन्होंने कुछ और आशीर्वाद दिया, कुछ भी आशीर्वाद दे के वो चले जाते थे, तो वो भगवान है। साइंस या फिर हम नासा बोलो या किसी को बोलो या अंग्रेजों को बोलो, उन्होंने इस चीज को नाम दे दिया एलियन। हमारे अनुसार तो एलियन बहुत पहले से हैं, हम तो उनको भगवान बोलते हैं, वो हमारे लिए तो भगवान है। तो ये चीज सच है, ये बात सच है कि एलियन कोई नहीं है, एलियन भगवान है हमारे धर्म के अनुसार। और हिंदू धर्म ने ही सबसे पहले बताया था कि एलियन नाम की कोई चीज होती है। और आप लोगों ने भी बहुत बार टीवियों में, धारावाहिक में या फिर ग्रंथों में, वेदों में पढ़ा है कि भगवान होते हैं जो दूसरे ग्रहों से आके धरती पर वास करते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।